वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CPO के एग्जाम से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है, टू आइडेंटिकल सर्कल्स इच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ इच वन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन। तो सवाल ये थोड़ा सा पेचीदा है पर इसे हम सॉल्व करेंगे आराम से तो समझ में आ जाएगा। तो सवाल हमारे पास ये है कि दो इस तरीके का सर्कल है, एक यहाँ से और एक इस तरीके से सर्कल, दोनों सेम साइज़ के, मेरे से थोड़ा बड़ा बन गया। ये जो सर्कल है, मतलब ये सर्कल है, इसके सेंटर से पास करता है और ये सर्कल इसके सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो हमें इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज़ हमें करना क्या, ये देखना है कि इसे हम जोड़ देते हैं। पहले इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे, इन दोनों लाइन को, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग, और ये वाला ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए ये बहुत अच्छा सा ट्रायंगल बन गया है। तो अगर हम इस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो अगर यहाँ से ले कर यहाँ तक का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं और इसको दोगुना करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल का ये वाला पार्ट हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ये मेरा कॉर्ड हो गया यहाँ पे जो बना हुआ है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा सॉल्व हो जाए, मतलब तो यही हो गया। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें, ठीक है, कि ये अगर हम ये सर्कल पे आए तो ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है ना, ये सेगमेंट बन रहा है। तो अगर इस सेगमेंट में से इस ट्राइंगल को हम लोग निकाल देंगे तो ये वाला बच जाएगा, इसका डबल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे सेम, और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होगा। कुछ थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा बन गया बट ठीक है समझने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी, ये जो लाइन है इस सर्कल का रेडियस है, ये लाइन इस सर्कल का, मतलब इस सर्कल का रेडियस होगा, ये लाइन इस सर्कल का रेडियस है, और ये जो पॉइंट है ये भी रेडियस है। तो ये तीनों आपस में क्या हुए, 60 60 60, मैं सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या हुआ, तीनों, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो अगर ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 होगा। तो ये हो गया 120। तो अगर 120 हमें पता है तो हम इस पूरे सेक्टर का, मतलब ये वाला जो एंगल है मेरा, ये कितना हो गया हमारा 120। तो इसका मतलब हम ये एरिया आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अब हमें पता क्या होता है कि 360 डिग्री में होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री में आता है पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो इसी तरीके से 120 डिग्री में कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 120। तो ये कट गया थ्री टाइम में, तो ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 3, और आंसर जो हमारा पाई में, इसलिए पाई का वैल्यू नहीं बिठाएंगे। और रेडियस कितना है मेरा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 16 पाई बाई रूट 3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस सेक्टर में से, ये ट्राइंगल के एरिया हमें निकालना है। तो अगर ट्राइंगल के एरिया हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा कितना है। अगर ये निकलेगा तभी, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबका लेंथ कितना है, 4 है। तो कभी भी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/2a। तो रूट 3/2 इंटू 4, तो ये 2 कट गया, ये आ गया 2√3। तो ये लेंथ आया 2√3। तो ये इस तरीके से बन गया डायग्राम, देखिए आप,
ये आया 2√3 और ये रेडियस था तो ये 4 हो गया। हमें ये निकालें तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये निकालेंगे कैसे, तो क्या आएगा 4² इज इक्वल टू, इसको एक्स पकड़ लेते हैं, x² प्लस 2√3 का स्क्वायर तो 16 हो गया, माइनस 4 × 3 12 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 × 4 × 3 12, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया x², तो ये आ जाएगा आपका 4 इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 2 हाइट उसके बाद बेस, तो इसका लेंथ हमें कितना पता है 2√3, तो ये कितना हो गया 4√3, तो 2 कट गया, कितना आया 4√3। तो हमें इस ट्राइंगल के एरिया निकल गया अब, तो अगर इस ट्राइंगल को हम लोग इस पूरे वाले एरिया से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो चलिए घटा देते हैं, बचा एरिया कितना था 16π/3 माइनस 4√3, ठीक है, तो ये हमारा आ गया अब एरिया, तो ये हमारा इस वाले पार्ट का एरिया निकल गया। अब इसका डबल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 32π/3 माइनस 8√3, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर आप कॉपी में ठीक से बना के सवाल को सॉल्व करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर ध्यान रहे आप कुछ कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए, कि जैसे मान लीजिए अगर एंगल पता है हमें सेंटर पे कोई भी एक सेक्टर कितना बना रहा है तो वो पूरा एरिया कितना होगा। दूसरा सब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करने का था, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का बात है, आप प्रैक्टिस करिए डेफिनेटली आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है या आंसर्स नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशंस दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएं इस वीडियो को, हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि हम और सब्सक्रिप्शन बना पाए और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।